यूपी में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा आज आ गया, जिसमें सीएम योगी का जादू 2017 की तरह ही कायम है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई थी और शुरुआती रुझानों में सीएम योगी का जादू चलता हुआ नजर आया। बिहार में भी इस वक्त बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनती नजर आ रही है, तो वहीं यूपी के उपचुनाव में भी 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी का दबदबा कायम है। आपको बता दें कि बुलंदशहर से बीजेपी उम्मीदवार उषा सिरोही आगे हैं, उन्नाव की बांगरमऊ सीट से बीजेपी के श्रीकांत कटियार आगे हैं, फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर प्रेमपाल सिंह धनगर ने बढ़त बनाई हुई है, कानपुर की घाटमपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र नाथ पासवान आगे हैं। अमरोहा की नौगावा सादात सीट की बात करें तो शुरुआत में बीजेपी यहां पिछड़ रही थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी की संगीता चौहान ने यहां बढ़त बना ली। जौनपुर की मलहनी सीट पर पहले सपा के लकी यादव आगे चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें पछाड़ कर धनंजय सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। देवरिया की सदर सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, बीजेपी के उम्मीदवार सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी यहां आगे हैं। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो 7 में से 6 सीटों पर सीएम योगी का जादू चला है और सपा का तो कहीं नामो निशान ही नहीं। अभी कल ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा था कि बीजेपी दिवाली नहीं लोगों का दिवाला निकालती है। सरकार ने ये दावा किया था कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिवाली तक खुल जाएगा। अब हमारी दिवाली तो आ गई, भारतीय जनता पार्टी की दिवाली कब आएगी? और भारतीय जनता पार्टी दिवाली नहीं मनाती है, लोगों का दिवाला निकाल देती है, ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उपचुनाव के परिणाम देखकर तो यही लगता है कि सपा का दिवाला निकल गया और 2017 वाला जादू अभी भी कायम है। लेकिन एक और तस्वीर आपको देखनी चाहिए। जब इधर मतगणना हो रही थी, शुरुआती रुझानों में बीजेपी को ज्यादातर सीटों पर आगे दिखाया जा रहा था, तो इन सबसे दूर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ मंदिर में शक्ति उपासना कर रहे थे। उन्होंने यहीं पर रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह पूजा की और गौ सेवा की, शक्तिपीठ परिसर का निरीक्षण किया और गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा भी खिलाया। यानी कि सीएम योगी का पूरा विश्वास था कि यूपी के उपचुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी।